वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस कोर्स में। तो हम लोग ने कल जो ट्राइबल मूवमेंट का पार्ट वन देखा था, उसी का आज हम लोग सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे, जिसमें कि वेस्टर्न घाट जो वेस्टर्न पोर्शन है उसको कवर करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से चार अपराइजिंग है, रिवोल्ट्स हैं, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स को कंटिन्यू करते हैं, पार्ट सेकेंड है ये। तो शुरू करते हैं पहले खोंड अपराइजिंग से। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं, और लीडर को देख लेते हैं इनके कौन रहते हैं। तो टाइमिंग देख लीजिए, 1837 टू 1856। जो मैंने ट्राइबल रिवोल्ट यहाँ सारे लिखे हुए हैं, वो एक्चुअली 1857 रिवोल्ट के पहले के सारे रिवोल्ट हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। इसका जो लोकेशन रहा था, वो खोंड जो पूरी ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल लोग थे, उनका रीजन बेसिकली उड़ीसा से आंध्र प्रदेश रहा है। तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे ना होके ये एक्चुअली ईस्टर्न कोस्ट पे है, बट मैंने इसको भी जो इंडिया का सदर्न पोर्शन है उसको एक साथ ले लिया था, इसलिए मैंने उसको आज के पार्ट सेकंड में डाला हुआ है। ठीक, तो खोंड अपराइजिंग ध्यान रखिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में हुई थी। और इसमें क्या था कि इन लोग में एक प्रथा चलती थी ह्यूमन सेक्रीफाइस की, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसको रोका गया। तो ये भी एक रीज़न रहा था कि ये कह रहे थे कि हमारे आप कस्टम्स लॉज में कैसे आप हस्तक्षेप कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो नेट टैक्सेस जो सारे रिवोल्ट्स का बेसिकली रीज़न रहा है, न्यू जो टैक्सेस अप्लाई किए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, ये भी एक रीज़न रहा। एंट्री ऑफ जमींदार्स, उनके ट्राइबल एरिया में जमींदार की एंट्री जो हो रही थी वो भी उन लोगों को खासा पसंद नहीं थी, तो ये भी रिवोल्ट की वजह रही। मेन जो लीडर रहा तो चक्रा बिश्नोई रहा था कोंड अपराइजिंग का, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं भील रिवोल्ट। इसका जो लोकेशन रहा है वेस्टर्न घाट्स रहा है ये। इसका डेट देखिए, कई डेट्स हैं, 1817-19 से शुरू हुआ था, उसके बाद 25-31-46 अंडर 1930 गोविंद गुरु इस लीडर ने एक नेशनलिस्ट फॉर्म ले लिया था, इसको बाद में सप्रेस्ड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ओरिजिनली इसका रीजन था फेमाइन, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और मिसगवर्नमेंट रीजन रहे थे। ब्रिटिश ने देखिए फोर्स के साथ साथ कंसिलेटरी एफर्ट्स भी अपनाए थे इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि ट्राइबल लोगों के साथ समझौते भी किए थे इन्होंने। ठीक, होली अपराइजिंग ध्यान रखिएगा कि जो वेस्टर्न घाट्स के ही पास, मतलब जहाँ भील्स थे उसके पास ही इनका भी लोकेशन रहा था। इनकी भी जो पूरी अपराइजिंग हुई ये टुकड़ों में हुई, 1829-1839, फाइनली 1844-48 में इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। इसका रीज़न ये रहा था कि जो ब्रिटिश रूल था वो इस रीजन में खासा अनएम्प्लॉयमेंट लाया था, और जो फोर्ट्स थे उस टाइम पे उनका जो डिफोर्टिफिकेशन कर दिया गया था, मतलब जो उनके ओरिजिनल रूलर्स थे उनसे ले लिया गया थे सारे के सारे फोर्ट्स। तो ये भी एक कोली अपराइजिंग का रीज़न रहा था। ठीक, लास्ट देख लेते हैं रमोसी राइजिंग को। इसमें क्या था कि ये भी वेस्टर्न घाट्स के हिल ट्राइब्स थे। देखिए, इनका जो बेसिकली रिवोल्ट का रीज़न रहा था वो ये रहा था कि जो पॉलिसी ऑफ एक्सेशन अपनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा वो इनको पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जो रमोसीज थे वो बेसिकली मराठास एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लॉयड थे, और मराठा का जब एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो इनका जो रोजी रोजगार था वो पूरी तरह से डिमोलिश हो गया, ख़त्म हो गया था। इसी के चलते 1822 में अंडर चित्तूर सिंह जो रमोसी पीपल थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत बोल दिया। देखिए, इनिशियली ब्रिटिशर्स ने पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई इन लोगों के अगेंस्ट में, क्योंकि ये जान रहे थे कि ब्रिटिशर्स ही की वजह से ये लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो जो मेथड था वो काफ़ी हार्श नहीं था, वायलेंट नहीं था इनिशियली, बट बाद में इसको क्या किया गया कि यहाँ तक कि इनके कुछ लोगों को जो हिल पुलिस थी ब्रिटिशर्स की उसमें भी रिक्रूट कर लिया गया था, जिससे कि इनका जो आक्रोश है उसको कुछ कम करा जा सके। ठीक है, तो हम लोग ने ट्राइबल रिवोल्ट्स देख लिए। कल हम लोग प्रीजेंट रिवोल्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग नारकेल बेरिया अपराइजिंग, पागलपंथी रिवोल्ट, पैरेजी रिवोल्ट और केरला का मोपला रिवोल्ट देखेंगे। ठीक, तो कल का लेक्चर दोस्तों मिस ना करिएगा, और टिल देन हैव अ नाइस डे।